हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बूंदी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है एक कटोरी, जो साइज आप देख सकते हैं थोड़ी छोटी है, और उससे बड़ी कटोरी में मैंने एक कटोरी चीनी लिया है, और थोड़े से ये कलर है जो बूंदी का कलर लाने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये आपके पास ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है। के लिए हम पहले बेसन रख लेते हैं एक बड़े से कटोरे में, उसके बाद हमें थोड़ा सा कलर लेना है। ये मैं बहुत ही कम ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा बूंदी में। ये ना रहे तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। और ऑयल थोड़ा सा लेंगे हम, फिर हम इसकी एक अच्छी सी घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, घोल ना ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ज्यादा पतली होनी चाहिए। बनाने के लिए अच्छा सा स्मूथ घोल बना लेना है। देखिए घोल बन के रेडी हो गया है, ये ना ज्यादा गाढ़ी है ना पतली है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 5 से या 10 मिनट हम छोड़ देंगे। तरफ चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी, उसका 2 गुना भी पानी रख सकते हैं। चाशनी हमारी अब बन चुकी है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। गरम होने के लिए तेल रख रहे हैं, जब ये गरम हो जाएगा तो मैं इसमें बूंदी तलूंगी। आप अपने अनुसार तेल रख सकते हैं, मैंने इतना डाला है। तेल हमारी गर्म होगी, उसके ऊपर छन्नी की सहायता से तेल में डालेंगे गोल हम अपना, और इसको हिलाना नहीं है। देखिए आप नीचे देख सकते हैं कितने गोल गोल बन रहे हैं, और ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैंने तेल कम डाला है। देखिए बूंदी पूरी तरह से गोल हमारी बनी हुई है। जब भी आपको मन करे आप इसको बना के खा सकते हैं। अब ये हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। गैस को बंद कर देंगे या कम कर देंगे, क्यों नहीं तो जल जाएगी। हमें ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पकाने से ये हार्ड हो जाते हैं, फिर मैं बूंदी में जब डालेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। ऐसे निकालने से थोड़ा सा पकाना है, बंद करना है। जब दोबारा हम डालेंगे तो फिर हमें गैस ऑन करके गर्म करके डालना है। पूरी तरह से गोल गोल बनती है, आप देख सकते हैं एक एक दाना गोल गोल है। ऐसा हम थोड़ा थोड़ा करके जितना बार बनेगा उतना बार हमें बना लेना है। दोस्तों देखिए मेरा लास्ट टाइम मुझे इतना गोल बनाने मुझे 5 बार बनाना पड़ा है। आप अगर ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो आपको कम समय में भी बन जाएगा, और आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल बन रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझसे गोल बूंदी नहीं बनती है, आप इस एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। कि बूंदी बन के तैयार हो गई है, मैंने एक छोटे से कटोरी में इतना सारा बूंदी बनाया है। अब इसको चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी हमारी पहले ही मैंने बना के रख ली हुई थी, जो मैंने आपको दिखाया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, जब ये ऑब्जर्व कर लेगा फिर इसमें जितनी भी चाशनी है सब इसके अंदर ये जूस पी जाएगा इसका। ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं कि ये चाशनी पूरा ऑब्जर्व कर लिया, थोड़ा बहुत बच गया है, मैं इसको सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।